नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी का दलौदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं आज के मंसूर मंडी की एक आवक की रिपोर्ट, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। और जो किसान मित्र 13 मई 2024 को अभी मंडी के लिए निकल रहे हैं और कल तो मंडी का अवकाश है यानी कि 14 मई 2024 का, तो दोस्तों मंडी के अंदर की स्थिति आपको आवक की रिपोर्ट जो इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। बाकी महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी कृषक बंधु अगर अभी मंडी के लिए निकल, तो मैं आपको जानकारी बता देना चाहूँगा कि हल्की बूंदाबांदी मंडी के अंदर हो रही है, मौसम भी पूरी तरह से एक्टिव है। ये आज की 13 मई 2024 शाम की अपडेट बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, जो कि हाल फिलहाल में मंडी के अंदर ही हूँ। तो आप स्थिति इस प्रकार की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बूंदाबांदी मंडी के अंदर हो रही है, मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है यानी कि बारिश जैसा मौसम आपको देखने को मिलेगा। ये पूरी तरह से स्थिति मंडी के अंदर की आपको देखने को मिलेगी। आवकों की रिपोर्ट की ओर चलते हैं, मंडी की क्या स्थिति है पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है। निवेदन करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार जानकारी देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 14 को और मंडी का अवकाश है दोस्तों, कल भी मंडी का अवकाश रहेगा। तो मंडी के अंदर आवक आज से आना जो शुरू हुई है उसकी स्थिति मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। बाकी ये अपडेट का टाइमिंग है, लगभग मैं आपको स्थिति बताना चाहूँगा कि 4:30 से 5 बजे के बीच का ये आवक की रिपोर्ट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। बाकी इसके बाद में कोई भी अगर बदलाव यहाँ पर होता है, जैसे कि स्थिति में परिवर्तन होता है वीडियो को देखने के बाद में, और भी संख्या मंडी के अंदर बढ़ती है, गेट की क्या स्थिति होती है वो बात की बात है, लेकिन हाल फिलहाल में जो अपडेट है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो ये मंसूर मंडी की आज की मेन शेड की स्थिति जो आपको देखने को मिलेगा, ये मेन शेड है दोनों बगल का, डोम क्षेत्र की स्थिति में आपको यहीं से थोड़ा एंडिंग में जानकारी उसकी देने का प्रयास करूँगा। इधर बॉक्स हैं और कुछ ढेर आपको देखने को मिलेंगे, और ये इस ओर की स्थिति जो कि मेन वाला जो शेड है मंसूर मंडी का, उसकी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ऊपर से लेकर नीचे तक अगर देखेंगे तो इसमें कुछ लहसुन अभी किसान मित्र खाली कर रहे हैं, और ये आज का दिन है दोस्तों 13 मई 2024 का, जो कि मैं अपडेट आप सभी किसान मित्रों को पहुँचा रहा हूँ। और ऊपर से लेकर नीचे तक की स्थिति आप देखेंगे, इस प्रकार की जगह आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का है तो जिसमें लहसुन अभी खाली हो रहा है। बाकी बॉक्स है, नीचे की ओर भी आपको बॉक्स ही देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपको इसमें ढेर भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये मंडी की स्थिति है। और इधर कुछ लहसुन अभी किसान मित्र खाली कर रहे हैं, जो कि जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस प्रकार से। तो इसके अंदर उतना अभी स्पेस की बात करूँ तो उतना ज़्यादा बचा नहीं है, बाकी डोम क्षेत्र की ओर चलेंगे उसमें किस प्रकार का स्पेस है तो मैं आपको जानकारी बता देना चाहूँगा। इसमें इतना स्पेस खाली जगह अभी देखने को मिली नहीं है। अब चलते हैं डोम क्षेत्र, और डोम क्षेत्र के आसपास में जो शेड बने हैं मंडी के, उसकी क्या स्थिति देखने को मिल रही है दोस्तों। ये स्थिति एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि डोम क्षेत्र के बगल वाला जो शेड है जिसके अंदर प्याज खाली होता था, उसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर ये इस प्रकार की स्थिति आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें बॉक्स भी हैं और ढेर भी हैं, दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ये डोम क्षेत्र के बगल वाले की स्थिति है दोस्तों, और ख़ास रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा अभी हाल फिलहाल की मंसूर मंडी की, जो कि शाम की अपडेट है आज 13 मई 2024 के दिन की। तो दोस्तों जिस प्रकार की मंसूर मंडी के अंदर की स्थिति देखने को मिली, इसमें भी अगर बात करो तो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का बोरी का आपको स्पेस देखने को मिलेगा। बाकी इसमें अब जगह बची नहीं है इसके अंदर, बाकी ये बगल वाला सेट है, और साथ ही साथ जो भी किसान मित्र अब मंडी के निकलता है तो उसके लिए मैं सूचना देना चाहूँगा कि अभी मौसम बारिश जैसा हो रहा है और हल्की मामूली बूंदाबांदी अभी शुरू हो चुकी है मंसूर में। तो अगर आप मंडी के लिए आते हैं तो निवेदन करूंगा कि पूर्ण व्यवस्था के साथ में आइएगा, और अपनी उपज एक ऐसी जगह खाली कीजिए कि जहां पर बारिश में गीली ना हो, जिस पर आप पूरी तरह से ध्यान दें। ये शेड के अंदर की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही यहाँ की एक और मैं आपको बगल में जो शेड बना है उसकी भी स्थिति बता रहा हूँ। डोम क्षेत्र के आसपास में जो छपरे हैं उनकी भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी यहाँ से, तो उसकी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या स्थिति है उनकी ओर। बाकी ये इधर है तो इधर बारिश हो जाती है जिसकी वजह से अभी माल इधर खाली हुआ नहीं है। डोम क्षेत्र अभी कुछ लहसुन इधर खाली होना शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश का विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि मामूली बूंदाबांदी अभी शाम को मंसूर मंडी के अंदर शुरू हो चुकी है दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे। और मैं आपको मंडी के अंदर की स्थिति बताना चाहूँगा, ये डोम क्षेत्र के आसपास के दोनों छपरों के अंदर की स्थिति है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें भी इस प्रकार की आवक आपको देखने को मिलेगी मंडी के अंदर। और डोम क्षेत्र की अगर स्थिति मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो इसमें दोनों छपरों के आसपास में ही लहसुन खाली होना शुरू हुआ है। बाकी डोम क्षेत्र में पानी
अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से किसान मित्र ने भी इधर खाली होना शुरू नहीं किया था। और सामने वाला जो शेड आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगा, ये इस ओर की स्थिति है, उधर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मंडी के अंदर मिलेगा ज़रूर दोस्तों। अभी मंडी के अंदर लहसुन आ रहा है, जैसे कि आप देखेंगे जिस प्रकार की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों साइडों में ही है। बाकी अभी की स्थिति इधर की देखें तो इधर भी थोड़ा बहुत स्पेस मामूली आपको देखने को मिलेगा। आगे भी बॉक्स और कार्टून आपको देखने को मिलेंगे मंडी के अंदर, जो कि ये आपको बता रहा हूँ ये देसी लहसुन का लोट है और ये इस प्रकार का माल। और आगे की स्थिति अगर आपको बताऊँ दोस्तों, तो डोम क्षेत्र में अभी माल खाली होना शुरू हुआ है और मंडी का कल और अवकाश था, जो कि 14 मई 2024 को मंडी का अवकाश है और ये डोम क्षेत्र की स्थिति है। लेकिन बारिश पर आप विशेष कर ध्यान दें कि बारिश के जिस प्रकार की, बाकी लगातार वाहन जिस प्रकार से आप मंडी की ओर आते हुए देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको। बाकी निवेदन करूँगा, काफ़ी गाड़ियाँ मंडी के अंदर भी खाली भी हो रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो आवागमन मंडी के अंदर जारी है दोस्तों। लेकिन बारिश पर आप थोड़ा विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि बारिश जैसे हालात तो मंडी के आसपास में देखने को मिले हैं, हल्की मामूली बूंदाबांदी अभी शुरू हुई है। बाकी मौसम भी बारिश जैसे ही है दोस्तों पूरा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डोम क्षेत्र में अगर आप लहसुन को खाली करें तो थोड़ा विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि बारिश में आपका लहसुन भीगे ना, क्योंकि बहुत से किसान मित्र ऐसे ही हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाली करके अपनी कृषि उपज को आसपास में निकल जाते हैं, तो जिसकी वजह से माल भीग जाता है, जो कि आप स्थिति देखेंगे। और माहौल भी देख सकते हैं मौसम का, जिस प्रकार का मंसूर मंडी का आपको देखने को मिलेगा आज का। और दोनों शेडों के आसपास में इधर हैं लहसुन, जो कि आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और कुछ लहसुन अभी जो मंडी के अंदर खाली होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको डेली अपडेट थोड़ा मंडी के पहुँचाता ना हूँ, लेकिन आज आपको थोड़ी अपडेट मंसूर मंडी की बता रहा हूँ, जैसे कि आप देखेंगे। बाकी दोनों शेडों के आसपास में अभी बता दूँ आपको कि कितनी गाड़ियाँ मंडी के अंदर खाली हो रही हैं, तो एक काउंटिंग कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी कि कितनी गाड़ियाँ खाली हो रही है। 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि आप समझ लीजिएगा 10 से 12 गाड़ी जो कि मंडी के अंदर अभी खाली होती हुई आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आवागमन मंडी के अंदर जारी है और ये इस प्रकार का। बाकी सामने की एक और अपडेट, ये डोम क्षेत्र की है, जिसके अंदर अभी लहसुन खाली होता हुआ आपको देखने को मिलेगा मंडी के अंदर। ये खाली था, इसके अंदर खाली हो रहा है। बाकी शाम की एक और शेड है, जिसकी स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। और सभी किसान मित्र हैं जो भी दलदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी देखता है, तो मैं आपको इधर से अपडेट बताना चाहूँगा। और ये छपरा है जिसके माध्यम से, और ये छपरे की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसमें तो लगभग टोटली आपको बॉक्स ही देखने को मिलेंगे और कुछ इक्का दुक्का कहीं ढेर है, बाकी अधिकतम आपको इस बॉक्स वाले छपरे के अंदर आपको बॉक्स देखने को मिलेंगे। बाकी साथ ही मैं आपको इधर की अपडेट बताना चाहूँगा, ये डोम क्षेत्र खाली है, लेकिन बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बादल भी गरज रहे हैं और बारिश का फुल मौसम अभी सक्रिय है, तो इस पर आप ध्यान दें। बाकी अभी बूंदाबांदी भी हल्की शुरू हो चुकी है मंडी में, तो जिस पर आप थोड़ा ध्यान दें दोस्तों, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। अपनी कृषि उपज को पूर्ण तरह से ढकें ताकि नुकसान ना हो किसी भी प्रकार का आप सभी किसान मित्रों का, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। काफ़ी गाड़ियाँ जो मंडी के अंदर लगातार आपको देखने को मिलेगी मंडी के अंदर आ रही हैं। फिलहाल तो गेट मंडी का खुला है, तीनों छपरे यानी कि चारों छपरे एक और शेड आसपास का, जो कि डोम क्षेत्र के आसपास में, ये भी लगभग खुल हो चुका है। कुछ इक्का दुक्का इस पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी थोड़ी बहुत जगह ही है। बाकी डोम क्षेत्र के अंदर ही फिलहाल में माल खाली होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और गेट हाल फिलहाल की अगर अपडेट बताऊँ मैं दोस्तों आपको, जो कि शाम की अपडेट है, तो शाम की इस अपडेट के अनुसार मंडी का गेट हाल फिलहाल में मंडी में किसान भाइयों को प्रवेश मिल रहा है। लेकिन जानकारी के अपलोड करने के बाद में आप कब तक मंडी के लिए आते तब तक मंडी की स्थिति में कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। ताकि हाल फिलहाल में कुछ भी वाहन आपको गेट पर नहीं है, मंडी के अंदर अभी प्रवेश हो रहा है किसान मित्रों को, जिस प्रकार की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, ये सीधे मंसूर मंडी से जो कि आपको देखने को मिलेगी।